नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज चपाती नूडल्स बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए 3 चपाती, पत्ता गोभी इसे लंबी लंबी काट लिए, हरा धनिया, 1 प्याज, 1 टमाटर और आधी शिमला मिर्च, 1 चम्मच रेड चिली सॉस है, आधा चम्मच सोया सॉस, चुटकी भर काली मिर्च और आधी चम्मच नमक की। आप इसमें जो वेजीज खाना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो और इसमें जितनी क्वांटिटी में लेना चाहते हो वो ले सकते हो। अब हम इन फुलकों को लंबे लंबे काट लेंगे। बिल्कुल पतली पतली काट लेंगे। ये मैंने सभी रोटियों को लंबी लंबी काट ली है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और इसे गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, सबसे पहले प्याज डाल देंगे और प्याज को भून लेंगे। अब इसमें पत्ता गोभी डाल देंगे, शिमला मिर्च और टमाटर। और इन्हें हम भून लेंगे। इन्हें हमें ज्यादा पकाना नहीं है। इसमें रेड चिली सॉस डाल देंगे, सोया सॉस, काली मिर्च और नमक और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ये रोटियां डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये सभी चीज अच्छे से मिक्स हो गई है। अब गैस सिम कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। ये हमारे चपाती नूडल्स बनके तैयार हो गए हैं। अब इसे आप भी ट्राई कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।